दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से अपना आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करेंगे या फिर एड्रेस को अगर आपको चेंज करना है तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका क्या कंप्लीट इंटायर प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, इस प्रोसेस के माध्यम से आप खुद से ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही अपना आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। आपको किसी भी आधार सेवा केंद्र पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसका क्या इंटायर प्रोसेस होता है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आपके फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है SSUP, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेम एज आपको टाइप करके आपको सर्च करना है। उसके बाद जो भी UID का ऑप्शन वेबसाइट होता है वो सबसे ऊपर भी नजर आता होगा माई आधार UID का, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे पहला लिंक पर क्लिक कीजिएगा जो भी UID का ऑप्शन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज तक आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड में किसी भी प्रकार से करेक्शन करना है, जैसे कि एड्रेस में करेक्शन करना है या फिर एड्रेस में चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड के अकाउंट में आपको लॉगिन होना होगा। तो लॉगिन होने के लिए यहीं पे देखिए लॉगिन पेज नजर आता होगा और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब जो भी आपका आधार नंबर है, जिस भी आधार नंबर में आपको एड्रेस को अपडेट या फिर चेंज करना है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन नीचे आपके पास एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको लॉगिन विद OTP पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पर सबसे पहले आपको फिलअप करना है। देन आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हैं फाइनली आप अपना आधार कार्ड का अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में आपका फोटो होता है ऊपर में देखिए कॉर्नर में पे यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो अगर आप देखना चाहते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन बैक में आपका एड्रेस होता है यहाँ पे फ्लिप आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी प्रेजेंट टाइम में आपके आधार कार्ड पे एड्रेस होता है वो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसी को आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, उसका जो प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके लिए यहीं पे देखिए एक ऑप्शन आपके पास मिल जाता है एड्रेस अपडेट का, जैसे यहाँ पे देखिए एड्रेस अपडेट का सेक्शन मिल जाता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मेनली यहाँ पे दो ऑप्शन खुलकर आ जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन नजर आता होगा अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा FOF बेस। ठीक है, मतलब अगर आपके घर में कोई भी हेड ऑफ फैमिली है, जैसे फादर्स हैं, मदर्स हैं, हस्बैंड है, उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो अपने आधार कार्ड पे कराना चाहते हैं तो फिर आपको HOF वाला सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो फिर आपको पहला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आपको रखना होगा HOF बेस। किस प्रकार से आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट या फिर चेंज किया जाता है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको एड्रेस किस प्रकार से आपको चेंज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, उस पर नीचे आएगा जब प्रोसेस बताया गया है, प्रोसेस देखना चाहेंगे देख सकते हैं। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए नीचे देखिए प्रोसीड टू अपडेट आधार पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट करने वाला सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो फिलहाल यहां पे ऑनलाइन तरीका से केवल एड्रेस को ही अपडेट कर सकता है, यहां पे किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं लगा होता है एड्रेस में। आप अनलिमिटेड टाइम आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना है, चेंज करना है, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी प्रेजेंट टाइम में आपके आधार कार्ड पे करंट एड्रेस होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। सबसे ऊपर में आपका इंग्लिश में शो होता है, देन नीचे में आपका हिंदी में यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, इसी को आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको नीचे आना होगा। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए डिटेल टू बी अपडेटेड। अब जो अपने आधार कार्ड अपडेट करना चाहते चेंज करना चाहते हैं उस डिटेल को नीचे आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले केयर ऑफ में जो भी अपना आधार कार्ड में फादर्स का नाम रखना चाहते हैं वो फिलअप कीजिए इंग्लिश में, या फिर यहाँ पे हस्बैंड का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे फिलअप करना। बेसिकली जो भी है आपके आधार कार्ड पे केयर ऑफ में उनका इंग्लिश में यहाँ पे नाम आपको फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे इंग्लिश में नाम फिलअप करते हैं तो फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, और यहाँ पे जो भी हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है उसे एक बार देख लेना है, सही से ट्रांसलेट हुआ होगा तब ठीक है, अदरवाइज सही ट्रांसलेट नहीं होता है तो फिर यहाँ पे कीबोर्ड का भी आइकन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप मैनुअली तरीका से हिंदी भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कहीं भी इंग्लिश का आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में आपको नाम लिख लेना है और वहां से कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे हाउस और जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट होता है उसका नाम यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। बेसिकली जो भी आपका हाउस नंबर होगा वो आपको दे देना, अगर हाउस नंबर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीट रोड लाइन है उसका नाम यहाँ पे दे देना, इंग्लिश में आपको फिलअप करना, हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होता जाएगा। उसके बाद जो भी एरिया लोकेटर सेक्टर का नाम है वो इंग्लिश में यहाँ पे फिलअप करना है,
हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसलेट होता जाएगा। उसके बाद जो भी आपका लैंडमार्क होता है, लैंडमार्क का मतलब जहां भी आपका घर पड़ता है उस घर के आसपास कोई भी फेमस प्लेस है, जैसे कि टेम्पल है, स्कूल है, कोई फील्ड है, उसका नाम यहाँ पे लैंडमार्क में आकर के इंग्लिश में आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से लैंडमार्क नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नीचे आएगा जो सबसे मेन पार्ट, यहाँ से शुरू होता है, नीचे आपको आना है और यहाँ पे जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एरिया पिन कोड नंबर फिलअप करता हूँ, जैसे एरिया पिन कोड नंबर यहाँ पे मैं फिलअप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया इंग्लिश और हिंदी में। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उससे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में सिलेक्ट कीजिएगा हिंदी नीचे ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, विलेज टाउन जो भी जहां भी रहते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश में आपका सिलेक्ट होता है, देन यहाँ पे हिंदी भी आपका सिलेक्ट हो जाता है। अगर हिंदी आपका सही से सिलेक्ट नहीं होता है तो फिर आपको मैनुअली तरीका से आपको हिंदी को सही करना होगा। ठीक है, उसके लिए कीबोर्ड पर आप क्लिक कीजिए, फिर कहीं भी हिंदी आपको टाइप करके यहाँ पे आपको कॉपी वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना पोस्ट ऑफिस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना फिलअप करने के बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे दो तरीका से अपलोड कर सकते हैं, एक मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, एक डिजी लॉकर से भी फेच करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है तो वहां से भी आप फेच करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो अभी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया, जैसे कि विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, जो भी यहाँ पे डिटेल आपने फिलअप किया है वो डिटेल वो आपके उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक है, उसी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, दोनों मैच होगा तभी यहाँ पे आपका जो एड्रेस वो चेंज या फिर अपडेट हो पाएगा। अगर मैच नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए सिलेक्ट वैलिडेट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे काफी सारा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट लगा सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल लगा सकते हैं, गैस कनेक्शन लगा सकते हैं, पासपोर्ट है, किसान फोटो पासबुक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है, पासबुक होता है, फोटोग्राफ वाला फोटो आईडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, काफी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना वोटर कार्ड देने वाला हूँ, उसके लिए यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नजर आता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, उसके लिए यहाँ पे व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट आपको क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब जहां भी आपने डॉक्यूमेंट बना करके रखा होगा उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू आपके पास शो हो जाता है, जो भी अभी आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं, जो भी नया एड्रेस रखना चाहते हैं वो ऊपर में आपके पास इंग्लिश में शो हो जाता है, देन यहाँ पे नीचे हिंदी में आपके पास शो हो जाता है। एक बार दोनों को मैच कर लीजिएगा, अगर आपका दोनों इंग्लिश हिंदी में सही होगा तभी आगे के प्रोसेस कीजिएगा, अगर आपका सही नहीं होगा तो एडिट पर जाकर के दोबारा उसे आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नजर आ जाता है। तो सब कुछ सही हो जाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है पेमेंट करने का वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपको ₹50 आपको पेमेंट करना होता है, तभी यहाँ पे आप ऑनलाइन तरीका से खुद से ही आप अपना घर बैठे ही आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है, उसके बाद दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि रिजर्व पे का भी ऑप्शन मिल जाता है, पे यूपीआई बीजे का भी ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, देन आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुलकर आ जाता है। तो सबसे ईजी जो पेमेंट गेटवे यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड आपके पास नजर आता होगा, तो जो भी आप अपने मोबाइल फोन में फोन पे चलाते होंगे, गूगल पे या तो फिर पेटीएम या तो भीम यूपीआई या तो फिर अमेजन पे, जो भी आप चलाते होंगे उसके माध्यम से इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके आपको यहाँ पे ₹50 आपको पेमेंट कर देना है, या फिर यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वैलेट से करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपको कर लेना है। ठीक है, तो जिस भी प्रकार से आप जो भी आपके पास सुविधा होगा उसके अनुसार यहाँ से आपको ₹50 आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका ₹50 पेमेंट हो जाता है उसके बाद फाइनली आपका पेमेंट वहां पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और वहां पे एक एक्लोजमेंट स्लिप भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड एक्लोजमेंट पर क्लिक करके आपको इस एक्लोजमेंट को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके पास एक्लोजमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे एक्लोजमेंट पर सबसे पहले आपका आधार नंबर शो जाता है, उसके बाद जो भी आपका SR नंबर होता है वो यहाँ पे शो जाता है, अमाउंट कितना पेड हुआ है ₹50 यहाँ पे पेड हुआ है, उसके बाद डेट और टाइम यहाँ पर नजर आता होगा। रिक्वेस्ट टैब में यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस चेंज करने का रिक्वेस्ट था, तो यहाँ पे एड्रेस आपके पास नजर आता होगा। अपडेटेड रिक्वेस्ट में यहाँ पे नजर आता होगा सबसे पहले एडजस्टिंग जो पहले वाला था वो यहाँ पे नजर आता होगा, और कोरेक्टर जो चेंज करना है वो एड्रेस यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपका यहाँ पे एड्रेस अपने आधार कार्ड में अपडेट या फिर चेंजमेंट करने का जो रिक्वेस्ट था वो कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे करीबन 7 से लेकर 15 दिन 20 दिन तक आपको वेट करना है, करीबन यहाँ पे 7 से 15 दिन ही लगता है, इतना दिन तक आपको वेट करना है, कभी कभी उससे पहले भी हो सकता है, 3 से 4 दिन में भी हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे लेट हो सकता है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे वेट करना है 7 दिन तक करीबन, आप वेट कीजिए। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होगा वो बाय पोस्ट 10 से 15 दिन में आपके घर के पते पे सेंड किया जाएगा, या तो फिर उसे ऑनलाइन तरीका सब खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जहां भी आपको यूज करना है पीजीवी में यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।